मैं नांगल सिरोही की इस पावन धरती को प्रणाम करती हूँ और इस धरती पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पे बैठे करण सिंह जी चौटाला, प्रकाश भारती जी, श्याम सिंह राणा जी और आपके अपने बहुत ही मजबूत कौशिक साहब और मंच पे जितने भी सरदारी बैठी है, चेयरमैन बिल्लू जी, सभी का, सरपंच साहब, प्रधान जी, सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझसे पहले विस्तार से एक एक बात को प्रकाश भारती जी ने आपको बताया। इनके भाषण के आगे तो अगर कोई भी भाषण दे तो मैं सोचती हूँ कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है तो मैं आप सबसे एक जिक्र जरूर करना चाहती हूँ। देखो, थोड़े शब्दों में एक बात तो हमें पता चल जानी चाहिए आज तक, कि हम जब भी किसी को नापतोल किसी का बैठाते हैं, इंसान का, तो हम उसका पीछे का रिकॉर्ड चेक करते हैं कि क्या हुआ, क्या किया। इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको लगाने वाले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने अपने काल में जितनी जन कल्याण की नीतियां बनाई, आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी पार्टी ने इतनी जन कल्याण की नीतियां लोगों के लिए नहीं बना के दी। ये बात सब आपको पता है। उसके बाद आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, जिनके लिए विपक्ष भी इस बात को कहता है कि यदि राज किसी ने किया और राज करने की समझ अगर किसी को है तो वो केवल आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को। और वो क्यों है? क्योंकि जो पौधा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने लगाया, उस पौधे को बढ़ाने का काम, उस पौधे को सींचने का काम 87 साल की उम्र तक आज भी आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कर रहे हैं। आज भी हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए, आम जनता के लिए वो चिंतित है। चिंतित क्यों है? क्योंकि मौजूदा सरकार हमारे हितों को हमसे छीनना चाहती है। और यदि मैं बात करूं आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की, तो आप इनका भी रिकॉर्ड उठा के देखें। आज तक पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात की चर्चा है, विपक्ष में भी इस बात की चर्चा है कि जो कहते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं, हर मुद्दा सच पे आधारित होता है। कभी भी झूठ की राजनीति अभय सिंह जी चौटाला ने नहीं करी। और जो लोग उनके बारे में ये बात कहते दिखते हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उन लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वो नॉन सीरियस नहीं। आज वो सबसे दबंग एक ऐसे नेता है जिनको पूरा हरियाणा देखती है। विधानसभा में वो जब बोलते हैं तो पूरा हरियाणा उनकी इस बात का कायल है। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। आपने मकान सबके देखे हैं, कई बार मकानों में दीमक लग जाती है और वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर खोखला करती चली जाती है। हमें जब तक पता चलता है तो बहुत सारी लकड़ी हमारी खराब हो चुकी होती है, लेकिन जब हमें पता चल जाता है हम उसका इलाज तुरंत प्रभाव से करते हैं और दुकान पे जाके कहते हैं सबसे मजबूत और सबसे करड़ी दवाई दे ताकि ये दीमक यही खत्म हो जाए। आज आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की दीमक हमारे अंदर लग चुकी है। इस दीमक का हमें अब पता चल चुका है। ये आए थे दबे पांव, झूठ बोल के 15 लाख का वायदा करके किसान की आय को
करके और नौजवानों के लिए 75% की योजना लेके आए थे। तो इस कीमत को खत्म करने के लिए आज अगर एक सबसे मजबूत दवाई हमारे पास है तो केवल अभय सिंह जी चौटाला है। तो इस कीमत को जड़ से खत्म कर देंगे। इसलिए मैं आपसे यही बात कहूंगी कि इस परिवर्तन यात्रा में आप सब लोग साथ चल के इस कीमत को खत्म करने का काम करें। आप सब लोग आए, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला आपके बीच पहुंच चुके हैं।